ओके तो गाइस अगर आप लोग इस तरह का एस्थेटिक रील्स वीडियो बनाते हो तो गाइस आपके साथ एक प्रॉब्लम होता होगा कि आपका जो भी बैकग्राउंड है वो सही से इरेज नहीं होता होगा। मतलब कि अगर आप अपने बैकग्राउंड में मून पीएनजी ऐड कर रहे हो या फिर अपना जो स्काई है उसको आप चेंज कर रहे हो तो आपका जो भी बैकग्राउंड है वो सही से इरेज नहीं होता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गाइस कि आपका जो भी बैकग्राउंड है उसको आप परफेक्टली कैसे इरेज कर सकते हो एंड अपने बैकग्राउंड में कुछ भी आप ऐड करोगे, चाहे मून हो, चाहे स्काई पीएनजी हो या फिर सनसेट या फिर कुछ भी पीएनजी क्यों ना हो, तो उसको आप परफेक्टली कैसे इरेज कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। ऐसा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्रोमा की का कोई ऐसा झोलझाल नहीं है, सिर्फ आप एक क्लिक में आप सब कुछ रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड को एंड परफेक्टली आप एस्थेटिक रील्स वीडियो बना सकते हो। एंड अगर आपको नहीं आता बनाना तो आप इजीली से सीख जाओगे। सो इसके लिए आपको चलना है कैपकट एप्लीकेशन में गाइस। तो सिंपली से कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना, उसके बाद क्लिक करना प्लस में और अपने जो गैलरी से अपने वीडियो क्लिप को यहाँ पे ऐड करना। ओके सो इस तरह से अपने वीडियो क्लिप को ऐड करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाना और पहले यहाँ पे हम अपना जो बैकग्राउंड है उसको हम चेंज करेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम मून वाला जो पीएनजी है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना ओवरले में गाइस, यहाँ पे क्लिक करना ओवरले में, उसके बाद क्लिक करना प्लस में, उसके बाद आप गैलरी से इस तरह का एस्थेटिक फोटोज़ को ऐड करना। चाहे तो आप मून को ऐड कर सकते हो या फिर आप स्काई कलर को चेंज करने वाला जो पीएनजी होता है फोटोज होता है उसको आप ऐड कर सकते हो या फिर आप सनसेट वाला जो भी फोटेज होता है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ इस वाले मून पीएनजी को, उसके बाद इसमें क्लिक करना गाइस एंड इसको आप क्लिक करके थोड़ा सा जूम करना दोनों फिंगर से एंड ऊपर में आप कुछ इस तरह से सेट कर लेना कुछ इस तरह से। ओके उसके बाद इसको आप घींच के पूरा एंड तक कर देना जहाँ तक आपका वीडियो रहेगा इतना। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करना गाइस एंड क्लिक करना यहाँ पे मास्क ऑप्शन में, मास्क में क्लिक करना, उसके बाद क्लिक करना फर्स्ट नंबर पे स्पीड का ऑप्शन में, उसके बाद आप नीचे इसको खींचना हल्का सा जितना आपको खींचना होगा, जैसे कि मुझे इतना तक रखना है। ओके उसके बाद आप नीचे वाला पोर्शन इसको आप हल्का सा खींचना तो कुछ इस तरह सबका फेड आ जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह सबका फेड आ जाएगा। आप चाहो तो इसको आप ऊपर रख सकते हो या फिर नीचे भी कर सकते हो। तो जो भी हमारा जो फोटो क्लिप है थोड़ा सा ऊपर तक ही है तो इसको हम इतना रखते हैं इतना और इसको हम इतना खींच लेते हैं। ओके उसके बाद सिंपली इसको हम डन कर देते हैं गाइस एंड बाकी जो है इसको आप थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो ताकि इतना। ओके तो इतना कुछ डन करने के बाद बेक आ जाना, उसके बाद क्लिक करना अपने वीडियो क्लिप में इसमें, उसके बाद इसको आप कॉपी कर लेना, नीचे स्क्रॉल करना एंड क्लिक करना कॉपी में, उसके बाद इसमें आप क्लिक करना और इसको आप लेयर में कन्वर्ट करना। तो लेयर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे स्क्रॉल करना एंड क्लिक करना ओवरले में गाइस। तो देख सकते हो कि जो हमारा लेयर में कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद इसमें क्लिक करके नीचे इसके नीचे आप लगा देना, मतलब कि इसके नीचे सेलेक्ट करके और आगे स्टार्टिंग तक ले जाना। ओके सो इतना कुछ करने के बाद क्लिक करना नीचे वाले वीडियो क्लिप में, इसमें लेयर वाला वीडियो क्लिप में, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करना गाइस एंड क्लिक करना कट आउट में, उसके बाद क्लिक करना रिमूव बैकग्राउंड में इसमें एंड थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा होगा एंड थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद आप बैक आ जाना गाइस। और अभी आप देख सकते हो कि आपका जो भी बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से यहाँ पे इरेज हो चुका है, आप देख सकते हो, आपको दिखा रहा हूँ एक बार देख लो। तो हमारा जो भी बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है सिर्फ एक क्लिक में। तो इस तरह से रिमूव करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आ जाना गाइस और अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे कलर ग्रेडिंग। मतलब कि देख सकते हो कि ऊपर में आपको डार्क नज़र आ रहा होगा और नीचे हल्का सा उजाला, तो इसको हम मेकअप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना फिल्टर में, उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका पे बहुत सारे फिल्टर मिलते हैं, तो आप क्लिक करना मूवीज़ में या फिर आप नाइट में क्लिक करना और अपने हिसाब से कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना गाइज। बाकी एडजस्ट में क्लिक करके और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि ब्राइटनेस हो गया तो ब्राइटनेस घटा बढ़ा देना अपने हिसाब से, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट हो गया, बाकी मतलब आप देख लेना अपने वीडियो के हिसाब से कि आपको कैसा चाहिए होगा और आपका जो वीडियो है डे के लिए अच्छा है फिर नाइट के लिए अच्छा है कैसा है किस लाइक है उस तरह से आप कर सकते हो यहाँ पे। सो इतना कुछ करके सिंपली इसको आप डन कर देना गाइस एंड आप देख सकते हो कि फाइनली आपका जो वीडियो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो गाइस। बाकी आप बैकग्राउंड में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मून हो गया, स्काई हो गया या फिर कुछ भी ऐसा फोटेज आप ऐड कर सकते हो एस्थेटिक वाले। तो उसके बाद आप कुछ इस तरह से इरेज करना और आपका जो वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भी यूज हुआ है, जैसे कि फोटेज जो भी यहाँ पे यूज हुआ है, सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो जाके और डाउनलोड करना। बाकी आप इस तरह से इरेज करके यूज करना और आप एस्थेटिक वीडियो बनाना। ओके बाकी ऐसे वीडियो में बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। और अगर आपको अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ओके।